subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नेहरू जिम खाना के चेयरमैन शशि पांडे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज एग्जीबिशन का दूसरा दिन है, सर क्या कहना चाहिए? पहले तो पब्लिक का थोड़ा सा व्यू बताइए, कैसी पब्लिक आ रही है और वही नेहरू जिम खाना में क्या और भी फैसिलिटीज आ रही है? देखिए, नेहरू जिम खाना में स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और जो अभी आने वाले समय में अभी विद इन 3 to 4 months हम ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल तैयार कर लेंगे। स्विमिंग पूल का काम जोर शोर से चल रहा है और मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर तक ये पूल पब्लिक के लिए रेडी हो जाएगा, मेंबर्स के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो बिल्डिंग हमारी ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है उसमें रूम्स, कार्ड रूम, रेस्टोरेंट, आपका स्पोर्ट्स बार, बैंक्वेट हॉल, ये सारी फैसिलिटीज उसमें हम, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल लगेगा पूरा इंटीरियर होने में, तो वो पूरा हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग तीसरा फेज जो है, थर्ड फेज जो हमारा लास्ट फेज है, वो जिसमें 5 वुडन कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट है, 2 लेन बोलिंग एली और 2 स्क्वैश कोर्ट है, ये सारी फैसिलिटी मुझे लगता है कि अगले आने वाले 2 से 3 साल में पूरी हो जाएगी। और अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, हमारे ऑलरेडी इस क्लब में 4000 परिवार इस क्लब के साथ जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी हमारे मेंबर्स हैं और आने वाले 2 साल 3 साल में हम 2 से 2.5 हजार मेंबर और जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि जो हमारा एक सपना हमने 2002 में देखा था, ये क्लब पूरी तरह से बनके रेडी हो जाना चाहिए। तो जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे नेहरू जिमखाना के? ये विजिटर्स नेहरू जिमखाना हर साल जब भी एग्जीबिशन होता है तो पार्टिसिपेट करने का मकसद वही होता है कि इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे विजिटर्स बम्बई के अलावा भी, नई बम्बई के अलावा भी बाहर से भी आते हैं, जैसे ईस्टर्न सबर्ब बम्बई से, चेंबूर एरिया से, तो कई लोगों को इस क्लब के बारे में पता नहीं है, तो जब वो आते हैं तो हमारा मकसद यही है कि हम सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।